हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल, दिस इज गुफरान। गाइस, आज हमारे पास M4 वॉच है इसके अंदर। और गाइस, किसी ने कमेंट की थी हमें क्या उस वॉच को ऑर्डर करो और उसकी अनबॉक्सिंग करो। तो गाइस, हमारे पास आ गई है वॉच, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। गाइस, उन्होंने तो बोला था क्या इस वॉच को ऑर्डर करके फ्रिज में रखो, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, फिलहाल तो इस वीडियो में अनबॉक्सिंग है, उसके बाद में नेक्स्ट उनकी कमेंट आएगी कुछ, तो फिर हम देखेंगे। तो गाइस, फिर हम इसको खोलते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। कितने रुपए की है मैं आपको बता देता हूँ आगे। M4 वॉच है गाइस, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की वॉच है। और इसके अंदर सिर्फ एक बॉक्स, ये इस तरह का एक पेपर दे रखा है, क्या 5 स्टार दे दो और कितने भी स्टार आप दे सकते हो अच्छे लगे तो। तो गाइस, मैं इसको खोलता हूँ। M4 वॉच, इसको अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक तरफ रख दीजिए। और गाइस, इस तरह का इसमें कुछ ये मिल जाता है कि आप अपनी वॉच को इस तरह से चार्जिंग पे लगा सकते हैं। तो गाइस, हम इसको ऑन करते हैं। एक ही बटन है, हम एक बटन से इसको ऑन करते हैं गाइस। ये तो लगता है गाइस चार्ज नहीं है, ऑन ही नहीं हो रही। तो गाइस, हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार चार्जिंग पे लगाते हैं, फिर हम उसके बाद में इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम इसको पहले इस तरह से इसमें लगा देंगे, इस तरह से लगा देंगे इसमें, फिर गाइस इसके बाद में इसको चार्जर में लगा देंगे, इसके एडेप्टर में इस तरह से लगा देंगे, फिर बाद में गाइस उसको बोर्ड में लगा देंगे। तो मैं इसको लगा देता हूँ गाइस बोर्ड में। फिर आप ये देख लीजिए, इसकी एक बैंड है इस तरह की कुछ इसकी बैंड है, जो आप इसको इस वॉच को इस तरह से इसमें लगा सकते हैं। हम इस बेल्ट में इसको फिट कर सकते हैं, इस तरह की एक बेल्ट है गाइस। अब देखते हैं अब हमें अपनी वॉच को कनेक्ट कैसे करना है मोबाइल से। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम इस तरह से इसमें फंक्शन निकालेंगे, इस तरह से इसको दबाए रहेंगे कुछ टाइम तक, फिर हम आगे जाएंगे। आप देख सकते हैं गाइस, ये इसका बार कोड आ गया। अब गाइस, अब हमें पता नहीं जैसे कि हम किस ऐप को डाउनलोड करना है, हमें पता नहीं है गाइस जैसे कि हमें किस ऐप को डाउनलोड करना है। तो गाइस, हम यहाँ पर गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके गाइस, गूगल पे कैमरा जो होता है, यहाँ पर कैमरा आप देख सकते हैं, इसके कैमरे को दबा देंगे, फिर यहाँ पर दबा देंगे। अब गाइस, हम ये जो हमारा ये है, हम इसको इस तरह से दिखाएंगे तो गाइस ये बता देगा कि आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं ये ऐप का लिंक आ गया, इसको दिखाते साथ ही ऐप का लिंक आ गया। अब गाइस, हम इस लिंक पे ही दबा देंगे, जैसे कि हमें पता नहीं है तो कौन सा ऐप हमें डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं गाइस, ये फिट प्रो ऐप है जो हमें डाउनलोड करना था। अब गाइस, हमें प्ले स्टोर पर लेके जाएगा। आप देख सकते हैं गाइस, ये मैंने ऐप डाउनलोड कर रखा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा ऐप ओपन है और गाइस, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं, जब कनेक्ट हो जाएगा गाइस तो यहाँ पर निशान आ जाएगा जब कनेक्ट हो जाएगा। तो ये अभी कनेक्ट नहीं है, वो जब कनेक्ट हो जाएगा तो इसका टाइम भी सही हो जाएगा। गाइस, हमें अपनी मोबाइल की ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है, यहाँ पर दबाकर कुछ टाइम तक इसको दबाए रखेंगे। फिर गाइस, हमें ऊपर करना है, हमारी वॉच का यहाँ पर नाम आ रहा होगा, अगर नहीं आए तो अवेलेबल डिवाइस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ये हमारी वॉच का नाम है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर सेट पर जाना है अपनी वॉच को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर सेट पर एक बार जाएंगे, आप देख सकते हैं ये फंक्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद में गाइस, हमें यहाँ पर जाना है,
एक बार हम यहाँ पर दबाएंगे, आप देख सकते हैं हमारी वॉच में अभी कोई निशान नहीं है, ये हमारी वॉच। हम एक बार यहाँ पर दबाएंगे, यहाँ पर अब ये कनेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं गाइस हमारी वॉच कनेक्ट हो गई है। अब इसमें यहाँ पर एक निशान आ गया है, यहाँ पर एक निशान आ गया। अब तो हमारी वॉच इससे कनेक्ट हो गई है। अब आप देख सकते हैं ये 214 और यहाँ पर भी गाइस 214 आ रहा है, यानी कि हमारी वॉच इससे भी कनेक्ट है। आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस हमें अगर कॉल मैसेज चाहिए तो अपनी वॉच पर, तो गाइस हम मैसेज पुश पर जाएंगे, यहाँ पर एक बार दबाएंगे। अब गाइस हमें जो भी फंक्शन चाहिए, कॉल का चाहिए तो कॉल का ऑन कर देंगे। अभी इस तरह से हो गया। अब गाइस हमें मैसेज का चाहिए तो हम मैसेज का भी ऑन कर देंगे, अलाउ पे कर देंगे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर अलार्म है, तो हम इस पर दबाएंगे। अगर हमारा अलार्म सेट करना है तो हम प्लस के निशान पर दबाएंगे। अब यहाँ से हम गाइस अपना अलार्म सेट कर सकते हैं, जितने बजे का भी हमको चाहिए। गाइस हम कंफर्म पर ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से अलार्म गाइस सेट हो जाता है। और यहां से गाइस हमारे स्टेप काउंट होते हैं। तो गाइस हम एक बार कॉल लगा के देखेंगे, देखते हैं हमारी वॉच में कॉल आएगी क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारी वॉच में भी कॉल आ गई है। हमारी वॉच में कॉल आ रही है गाइस, आप देख सकते हैं हमारी कॉल की नोटिफिकेशन आ रही है। अब गाइस जैसा हमें कोई मैसेज भेजेगा कोई भी, तो हमें गाइस मैसेज भी आ जाएगा। गाइस आप यहां से इसकी हार्ट रेट देख सकते हैं, इसको निकालेंगे और इसको दबाए रहेंगे कुछ टाइम तक। आप देख सकते हैं यहां पर लाइट चल रही है। हार्ट रेट इस तरह से हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं 82। गाइस अगर आपको इस वॉच के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसके ऐप के बारे में या वॉच के बारे में, या फिर आपकी वॉच कनेक्ट नहीं हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा, जैसे भी आप चाहें। तो गाइस प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। गाइस और भी हमारे चैनल पर इस तरह की वॉच की वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इस वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।